भोले बाबा पर क्या महिला भस्म चढ़ा सकती है? देखिए रानी राय, आज के संदर्भ में आप सबके पास हम लोगों से ज्यादा ज्ञान है भोले बाबा का, क्योंकि मैं अगर आपको पुराण के हिसाब से कुछ कहूंगा तो आधे लोगों को बुरा लग जाता है, और अगर मैं आपके लिए मीठा मीठा बोलूं सबके लिए तो सब कहेंगे ये महाराज जी बहुत अच्छे हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ गया है कि आप सत्य बोलेंगे ना। आज उन गुरुओं को बहुत पसंद किया जा रहा है जो अपने अपने फॉलोअर्स की हर बात को हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, कलयुग का ये नियम हो गया है। दूसरा, गुरु अगर चेता रहा है, गुरु अगर सावधान कर रहा है, गुरु अगर आपको कोई मार्ग दे रहा है, तो आजकल लोग उसको सुनना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कोई हमें टोके, कोई हमें रोके, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे और वो कहें नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, बस तुम तो मुझे दिए जाओ, मेरा चढ़ावा दिए जाओ। इसने समाज को पंगू बना दिया है। ऐसी कई बातें मेरे द्वारा बोली गई हैं जिस पर मैं देखता हूं कई बार लोग गालियां दे रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, हालांकि मैं उनको उनके कमेंट्स पर इसलिए ध्यान नहीं करता क्योंकि जब वो उनको जानकारी ही नहीं है तो वो गाली दे रहे हैं या भद्दी बातें लिख रहे हैं। अब उनको मैं क्या कहूँ, उनको जानकारी नहीं है। भाई डिबेट या वार्तालाप उससे किया जाए जिसको जानकारी हो तो बात करने में मजा आएगा। मैं किसी सब्जेक्ट पर बात करूं, उसको आप भी पढ़कर आए, मैं भी पढ़कर आऊं, तो बात हो। लेकिन ज्यादातर लोग बिना पढ़ के आके ज्ञान देने लगे हैं तो समस्या ये है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो हर व्यक्ति को मेरिट डिमेरिट ये तो जरूरी नहीं है, मैं जो बोलूं उसको हर कोई पसंद करे, कुछ मानने वाले होंगे कुछ ना मानने वाले होंगे। अब मैं पुरी शंकराचार्य जी की एक बात आपसे कहता हूं, मेरी नहीं है भाई, शंकराचार्य तो बहुत बड़ा पद है, परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूं मैं, शंकराचार्य तो वो तो कहते हैं कि स्त्री को शालिग्राम और शिवलिंग का स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। अब आप मेरी मानेंगे, हो सकता है मुझे तो कोई कुछ भी कह सकता है क्योंकि सामान्य दृष्टि में कथा प्रवक्ता हूं, कथा वाचक हूं, लेकिन शंकराचार्य उनकी बात को कैसे झुठलाएंगे? वो तो मुझसे करोड़ों गुना ज्ञानी है, करोड़ों अरबों गुना ज्ञानी है मुझसे, मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन उनकी बात को कैसे झुठलाएंगे? समस्या पता है क्या है? समस्या यह है कि हर व्यक्ति अपने मन की करना चाहता है और वो चाहता है कि हम जो चाहते हैं वो ये बोल दें कि हाँ तुम सही कर रहे हो। मान लीजिए आपके मन के अंदर एक अभिलाषा जागृत हुई कि हम भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, हम भगवान शिव को भस्म चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, चढ़ाकर मिलेगा क्या? अगर वही चढ़ाकर मिलने वाली चीज आपके द्वारा पुजारी जी को दे दी जाए, पुजारी जी चढ़ा दें और आपको प्राप्ति वही हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? कोई क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं हम ही करेंगे। तो अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं जी, इसलिए मैंने सीधे महानुभाव का नाम ले दिया कि वे तो ये कहते, अब बताइए मैं क्या कहूं। लेकिन आपको अपने ही मोहल्ले में ऐसे कई सारे परिवार के स्त्रियां पुरुष मिल जाएंगे जिनके पास शंकराचार्य से भी ज्यादा ज्ञान है, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अरे नहीं इससे कुछ नहीं होता, अरे ऐसा नहीं, अरे वैसा नहीं, अरे तुम चिंता मत करो, हमारी दादी तो तब से कर रही है, हमारी नानी तो तब से कर रही है, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। हाँ, लेकिन शास्त्र का प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रमाण नहीं मिलेगा। कहीं अगर लिखा है कि कोई पूजनीय है, ध्यान रखना, कहीं अगर लिखा है कि ये पूजनीय है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको पूजना ही है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। कोई व्यक्ति पूजनीय है उनके लिए जिनको पूजना है, पर आपको पूजना ये कंपल्सरी नहीं है।
ये बात समझने की है। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया और उन अवतारों में उन्होंने कई अनेक लीलाएं करी, अपने ऐश्वर्य को बताया, तो इसलिए बताया कि मनुष्य भटके नहीं, कि देखो मैं ब्रह्म हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, और जो इस तरीके कार्य कर रहा है वही ब्रह्म है। 7 वर्ष की आयु में पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली, सबसे कमजोर अंगुली के नाखून पर उठा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति का कार्य है? नहीं, ईश्वर का कार्य है। यमुना जी में घंटों अंदर जाकर काली नाक से जो 100 फन का उससे लड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्ति का काम है? नहीं, ईश्वरीय कार्य है। तड़ामृत आता है, अंतरिक्ष में उड़ा के ले जाता है और उसके बाद वहीं उसको मारते हैं और नीचे आ जाते हैं 1 वर्ष की लीला में, मनुष्य का काम है? नहीं। पूतना आती है 6 दिन के और पूतना को मार देते हैं, मनुष्य का काम है? नहीं। जहर का असर हुआ? नहीं हुआ। 4-5 साल की उम्र में जंगल में आग लगती है और मुख को खोल के उस पूरी अग्नि को अपने मुख में समाहित कर लेते हैं, मनुष्य का काम है? नहीं। किसका काम है? ईश्वरीय शक्ति का कार्य है। आप समझिए, तो ईश्वर ने ये लीलाएं क्यों की, क्या जरूरत थी उसको करने की? ताकि आप भ्रमित न हो, आप ये जान पाओ कि भगवान, भग जिसके पास ये भग है, अर्थात जो पृथ्वी को साध ले, जल को साध ले, अग्नि को साध ले, वायु को साध ले, आकाश को साध ले, मन को साध ले, चित्त को साध ले, क्रोध को साध ले, वो भगवान है, वही भगवान है। अब आज की तारीख में तो भगवान ही भगवान है, जहां देखो वहां नए नए भगवान है। क्यों है? शास्त्रों से विमुख हो गए हम, शास्त्रों से विमुख हो गए तो धीमे धीमे नए नए भगवानों के लाइन में लग गए। आप समझिए, अपनी पद्धतियों को छोड़ दिया, अपने तरीकों को छोड़ दिया, अब अंग्रेजी बोलने लगे हैं, अब जर्मन बोलने लगे हैं, अब स्पेनिश बोलने लगे हैं। अरे भैया, भाषा बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना मूल मत छोड़ो। अंग्रेजी बोलो, अंग्रेज मत हो जाओ, स्पेनिश बोलो, स्पेनिश नहीं हो जाओ, जापानी बोलो, जापानी मत हो जाओ, रहो हिंदुस्तानी। अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को बनाए रखो, सजाए रखो, क्योंकि उसी से तुम्हारा वजूद है, हमारा वजूद है। कोई भाषा ज्ञान का परिचायक नहीं हो सकती, ज्ञान का परिचायक तो ज्ञान ही हो सकता है। हाँ, भाषा उसके उस व्यक्ति के लिए ज्ञान का परिचायक हो सकती है जिसको ज्ञान की जानकारी ना हो। अब मान लीजिए आप मेरे पास आए और मैं एक पर्ची पे लिख कर दे दूं कि आप ये 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 हैं, ठीक है, आप कहेंगे अरे वाह, आप तो अंतर्यामी हैं, जय हो आपकी, और आप पूजना शुरू कर दें तो आपकी बेवकूफी है। ये बेवकूफी है कि आप पूजना शुरू कर रहे हैं। हाँ, पूजो उसको जिसके एक दृष्टिपात से किसी कैंसर के मरीज को लाभ मिल जाए, जिसकी दुआओं से किसी का जीवन संवर जाए, वो पूजनीय है। जिसके कहने से कई चरित्र सज जाएं, कई नारियां सती हो जाएं, कई पति पत्नी व्रता हो जाएं, तात्पर्य यह है, तब तो जीवन का सार है। हम आजकल 21वीं सदी में होने के बाद हम जादू टोटका जैसी चीजें, आश्चर्यजनक चीजें, चमत्कारिक चीजों के पीछे किसी को भगवान मान ले रहे हैं। तो हम अपग्रेड हो रहे हैं कि हम डिग्रेड हो रहे हैं, ये विचारनीय है, ये सोचनीय है, शोभनीय नहीं है। तो ये हमें सोचना होगा, ये हमें समझना होगा, जानना होगा।